अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस का। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस का चैप्टर जो सेकंड है वो एंड कर चुके हैं। अब चैप्टर 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो पहले चार चैप्टर में से लॉन्ग आता है तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो चैप्टर 3 में से आता है। चैप्टर 1 और 3 के अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टेक्निकल भी हैं और थोड़े से थ्योरेटिकल भी हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 3 का जो नेम है हमारे पास वो क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो 3 स्टेजेस में से पास होकर हमारी डेटाबेस डिज़ाइन होती है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो पहले देख लें। सबसे पहली टर्म हमारे पास है एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस में इट मीन्स वी स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम के लिए डाटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। मसलन अगर हमने एक कॉलेज के लिए हमने डाटाबेस डिज़ाइन करनी है तो कॉलेज की वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉलेज में पहले से कैसे काम हो रहा है। अगर एक बैंक में के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, डाटाबेस डिज़ाइन करनी है, तो बैंक में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि पहले से वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, फिर उसको डाटाबेस में कैसे करेंगे। मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। तजिया में क्या करते हैं कि जो पहले से सिस्टम काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है उसे एनालिसिस बोलते हैं। एंड पर्पस ऑफ एनालिसिस इज़ टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। एनालिसिस का बुनियादी मकसद क्या होता है कि उस सिस्टम के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ये आपको आइडिया हो जाता है, और कैसे परफॉर्म हो रही हैं ये आइडिया हो जाता है। एंड वर्क शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। जब आपको पता चल गया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है तो जो न्यू सिस्टम, जो डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ये हमें आइडिया हो जाता है एनालिसिस से। तो ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द टर्म एनालिसिस, ठीक हो गया। उसके बाद है फैसिबिलिटी स्टडी। फैसिबिलिटी स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, जो डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो वो सिस्टम के मतलब जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम या सिस्टम, वो फैसिबल है कि नहीं है। मतलब वो डिज़ाइन किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो फैसिबिलिटी स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फैसिबिलिटी स्टडी के अंदर वो चेक करेंगे कि जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं क्या वो अफोर्डेबल है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपको ये सिस्टम बना के देंगे, उसकी इतनी कॉस्ट है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अफोर्ड नहीं करती, सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो मतलब सिस्टम फैसिबल नहीं है। उसके बाद पॉसिबल, क्या सिस्टम बनाया भी जा सकता है। मतलब एक कोई भी आके कहते हैं मुझे फलां सॉफ्टवेयर या फलां डेटाबेस सिस्टम चाहिए, अब वो यूज़र तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, अब एक्चुअली में उसे हम लोग अगर इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सिस्टम फैसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेबल। अब यूज़र ने आके हमें कहा कि मुझे फलां सिस्टम चाहिए, हमने कहा कि हम लोग 2 मंथ के अंदर इसे कम्प्लीट करेंगे। यूज़र कहता है नहीं जी, मुझे तो जल्दी है, मैं जो 15 दिन के अंदर सिस्टम चाहिए, तो हम लोग 2 महीने में बना के दे रहे हैं, तो यूज़र हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हाँ जी 15 दिन के अंदर बना रहे हैं, उसे भी 15 दिन के अंदर चाहिए, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। मतलब जो जिस यूज़र के लिए बनाने जा रहे हैं वो उसे एक्सेप्ट करेगा भी नहीं या नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो सिस्टम फैसिबल है, अदरवाइज सिस्टम इज़ नॉट फैसिबल। अगर सिस्टम फैसिबल हो रहा तो सिस्टम बनाएंगे, अदरवाइज सिस्टम नहीं बनाएंगे। उसके बाद क्या है, अगर सिस्टम फैसिबल है, मतलब अफोर्डेबल भी है, पॉसिबल भी है, और यूज़र उसे एक्सेप्ट भी करता है, जितने फंक्शनैलिटी जितने टाइम के अंदर हम लोग उसे प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र उसे एक्सेप्ट करता है, मीन्स सिस्टम इज़ अ फैसिबल। मतलब सिस्टम बनाया जा सकता है, अब सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी सिलेक्ट द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, तो कौन सा मॉड्यूल पहले स्टार्ट करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, ये हम लोग फैसिबिलिटी स्टडी में ही देखेंगे। मसलन कॉलेज का सिस्टम है तो उसके अंदर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, इसके अलावा हमारे पास एग्जामिनेशन है, अकाउंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैसिबिलिटी स्टडी में बताएंगे कि सबसे पहले किस मॉड्यूल के ऊपर वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल पहले करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन। तो ये हमने प्रोजेक्ट का एरिया डिफाइन कर लिया जहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आ स्पेसिफिक फंड इज़ एलोकेटेड। तो जब हमने सिस्टम का प्रोजेक्ट सॉरी
एरिया डिफाइन कर दिया कि इस एरिया पे पहले वर्किंग स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट करने के लिए अब हमें जो लोड हमारी जो टीम है उसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, उस टीम मेंबर्स की सैलरी भी देनी है, तो हम लोग एक स्पेसिफिक फंड एलोकेट कर देंगे कि इस मॉड्यूल को करने के लिए इतना हमें खर्चा होगा, इतनी कॉस्ट आएगी, तो मतलब हम लोग फंड क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। एंड प्लानिंग इज प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने प्लानिंग में प्रॉपर स्केड्यूल बना देना है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे, फिर एग्जामिनेशन वाले मॉड्यूल को ऑनलाइन कर देंगे, फिर अकाउंट्स वाले को करेंगे और एंड पर लाइब्रेरी वाले को करेंगे। तो हमने ये डिवाइड कर दिया प्रोजेक्ट को डिफरेंट स्टेप्स में, स्केड्यूल कर दिया कि फर्स्ट मंथ इस मॉड्यूल के ऊपर काम होगा, सेकेंड मंथ इस पर काम होगा। तो हमने फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सिस्टम है, हम लोग कहते हैं 4 महीनों में हो जाएगा, ये 4 मॉड्यूल हैं, तो हमने स्केड्यूल कर दिया कि इतने टाइम के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट के एरिया पर काम करेंगे, इतने में इतने इस पर करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास फाइनल जो सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा। ये हम लोग प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग भी इसी में कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है कि अब हमें पता चल गया कि सिस्टम की वर्किंग क्या है, सिस्टम फैसिबल है, बनाना है हमने, अब सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए, या सिस्टम कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। अब ये यूज़र बताएगा हमें कि सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से जाके पूछेंगे, हाँ जी जो सिस्टम बनाना है, लाइक स्टूडेंट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो जब स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तो उसका कौन कौन सा डाटा हम लोगों को चाहिए, लाइक उसका स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, क्लास है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उसकी पिक्चर है, उसके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूज़र बताएगा कि ये सारा डाटा मैंने स्टोर करना है। मीन्स पॉसिबल इनपुट फॉर द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर ये डाटा मैंने इनपुट करना है स्टूडेंट का, और उसके बाद इनपुट करने के बाद मुझे फलां फंक्शनैलिटीज चाहिए सिस्टम से, ये तो डाटा एंट्री हो रही है ना, तो सिस्टम उस डाटा को प्रोसेस करके कैसे आउटपुट प्रोवाइड करेगा या कौन कौन सा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखेंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट के कॉलेज में टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसकी एंट्री कर देते हैं, तो हमें उसका क्लास वाइज रिजल्ट चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, ठीक है, उसके पिछले रिजल्ट के साथ कंपैरिजन चाहिए, मतलब मीन्स प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है, रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज हैं, मीन्स रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर हम लोग जो डाटा इनपुट करें उसे प्रोसेस करके ये हमें फलां आउटपुट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखेंगे। रिक्वायरमेंट मीन्स यूज़र डाटा इनपुट करने के बाद उसे क्या चीज़ सिस्टम से रिक्वायर है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम है उसको हमने स्केड्यूल तो कर दिया है, स्केड्यूल करने के बाद कितने टाइम के अंदर कितने लोग उसके ऊपर काम करेंगे, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, ये हम लोग करेंगे। मीन्स प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अगर आपने कम्प्लीट करना है तो आपको प्लानिंग लाजमी है, ठीक है। प्लानिंग में हम लोग डिफरेंट टीम मेंबर्स को एलोकेट कर देंगे, क्योंकि ये फ्लाम इतने बंदे इतने टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और इस टाइम ये हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग कॉस्ट फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। कॉस्ट फैक्टर्स हमारे पास दो तरह से हैं, एक हार्डवेयर कॉस्ट है और एक हमारे पास क्या है, सैलरीज ऑफ द टीम मेंबर्स, ठीक है। हार्डवेयर कॉस्ट में क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उस सिस्टम को रन करने के लिए हमें हार्डवेयर कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हम लोगों ने प्रिंटिंग का काम करना है तो उसके लिए प्रिंटर भी चाहिए होगा, अगर नेटवर्किंग के ऊपर है तो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी चाहिए, तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए वो हार्डवेयर कॉस्ट में आ जाएंगी। और सैलरीज ऑफ द टीम मेंबर्स, क्योंकि हमने जो टीम है उसे एलोकेट कर दिया टास्क, तो उन्हें हमने सैलरी भी पे करनी है, तो ये कॉस्ट फैक्टर्स हमारे पास दो तरह से होंगे। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही हम लोग एनालाइज करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है इतने टाइम के अंदर इतनी कॉस्ट में डेवलप होगा, ठीक है। तो क्रॉस फैक्टर्स हमारे पास दो तरह से, हार्डवेयर क्रॉस एंड सैलरीज ऑफ द टीम मेंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा एनालिसिस। अब प्लानिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सा डाटा है, एक एंटिटी दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करती है, तो इसके लिए हमारे पास ना डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टूल के हैं डाटा फ्लो डायग्राम, जिसे DFT बोलते हैं, डिसीजन टेबल है या डिसीजन ट्रीज हैं, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट
डायग्राम्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से डाटा को एनालाइज किया जाता है, डाटा के फ्लो को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसा आपने नाम याद रखना है डिटेल इसकी नहीं। अच्छा, यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एनालिसिस शॉर्ट क्वेश्चन है, फैसिबिलिटी स्टडी शॉर्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डाटा एनालिसिस, ये पाँच शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो मॉडलिंग से पहले सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अ मॉडल। तो मॉडल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल। मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं और उनके आपस में एसोसिएशन है, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में, उसे मॉडल बोला जाता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर मसलन कॉलेज के लिए सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। कॉलेज के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज, ये ऑब्जेक्ट या एंटिटी एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे पास एग्जाम होते हैं, उनका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की आता है, एडमिशन लेते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन लेना दैट इज़ इवेंट। ठीक है, इवेंट, उसके बाद स्टूडेंट फ़ी पे करता है, वो इवेंट है। ठीक है, एग्जाम ले मतलब कॉलेज में वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, इवेंट हैं। तो ये सारे के सारे रियल वर्ल्ड में जो इवेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करना, कौन से इवेंट हैं, कौन सा इवेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, कौन से डेटा एंटिटीज़ हैं आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, मॉडल। द मॉडल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। अब मॉडल जब हमारे पास डायग्राम के ऊपर, पेपर के ऊपर होगा, तो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है, कौन सी एंटिटीज़ हैं, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर एक बिल्डिंग तैयार करनी हो तो उसके पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। अब उस नक्शे से हमें पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रूम्स क्या हैं, नंबर ऑफ डोर्स क्या हैं, साइज़ क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। तो ये बेसिकली जो उसका मैप होता है वो एक मॉडल ही होता है। ठीक है, तो डाटा भी डिज़ाइन करने से पहले उसका क्या किया जाता है, मॉडल किया जाता है। अब डाटा मॉडलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। मीन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड डाटा मॉडल। ठीक है, तो ये डाटा मॉडल की डेफिनेशन। और ये डाटा मॉडल के बाद हमारे पास डाटा मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपस में क्या एसोसिएशन है, और उस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली इन द फॉर्म बाय यूजिंग सम सिंबल्स। कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या एंटिटीज़ हैं और आपस में वो एंटिटीज़ किस तरह से रिलेट करती हैं। उससे क्या होता है, हमें रियल वर्ल्ड के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का मतलब क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि कौन सी एंटिटीज़ हैं, कैसे वो आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन इंग्रेडिएंट्स हैं डेटा मॉडलिंग के, नंबर वन एंटिटी, नंबर टू एट्रीब्यूट्स और नंबर थ्री हमारे पास है रिलेशनशिप। एंटिटी हम लोग पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं, अगेन है, एंटिटी क्या है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जाए। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर जिस चीज़ का भी डाटा स्टोर करना है ना, जिसका भी रिकॉर्ड हमने रखना है, वो एंटिटी कंसिडर होगी। ठीक है, मीन्स इट कैन बी अ पर्सन। पर्सन में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। ठीक है, डॉक्टर है, टीचर, तो ये पर्सन हैं, इन सब का डाटा हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो कोई भी हो सकता है, कॉलेज है तो उसमें डॉक्टर तो नहीं होगा, हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद प्लेस, प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीज, सिटी, टाउन, ये सारी के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लेसेस में आ जाएगा। थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक इसको बोर्ड मार्कर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेबल, चेयर, ठीक है, बुक, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो बुक इज़ एंटिटी, चेयर के बारे में स्टोर की है, टेबल के बारे में की है, जिस चीज़ के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसे क्या बोलेंगे, एंटिटी।
एंटिटी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, इवेंट, इवेंट में लाइक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया तो इवेंट है। ठीक है, उसने फी पे की, इवेंट है। ठीक है, आपने मार्केट किया, आपने कोई चीज़ सेल परचेज की तो इवेंट है। तो डेटाबेस सिस्टम का हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि इसने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होते हैं उनका अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है, उसको कैप्चर करना होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जब हमें उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे पास प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आप शॉप में जाते हैं, अब हज़ारों कस्टमर्स आते हैं तो कोई भी चीज़ वो परचेस करते हैं कस्टमर, हमें हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है ताकि एट द एंड शाम को जब हम लोग हिसाब किताब करें हमें पता हो कि आज इतने कस्टमर्स आए, इतने प्रोडक्ट्स आज सेल हुए। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल प्रोडक्ट सेल करना या कस्टमर्स का परचेस करना ये इवेंट है। डेटाबेस सिस्टम का पर्पज़ क्या है, उस इवेंट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करें। ठीक है, तो इवेंट्स को लाजमी आपने याद रखना है, इवेंट इज़ अ एंटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, उस एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट है तो इसके करेक्टरिस्टिक्स के हैं, स्टूडेंट का नेम होगा, क्लास है, रोल नंबर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह डॉक्टर है तो डॉक्टर आई डी होगी, डॉक्टर का नेम है, उसकी स्पेशलाइजेशन होगी कि इस बीमारी का वो इलाज करते हैं, तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह से टीचर है तो उसकी टीचर आई डी, टीचर नेम है। ठीक है, टीचर नेम के बाद उसका सब्जेक्ट है, नंबर एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स, क्वालिफिकेशन है, तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं एंटिटी के। तो एंटिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट एंड इट इज़ यूज टू डिफाइन एन एंटिटी। ये यहाँ से ना पेपर में MCQs आती है, डैश इज यूज टू डिफाइन एंटिटी, एंटिटी को कौन सी चीज़ डिफाइन करती है, उसके एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एंटिटी को कौन सी चीज़ डिफाइन करती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। अब मेरा नेम है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किसे डिफाइन कर रहे हैं, मुझे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो किसी भी एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स उस एंटिटी को बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटीज़ के दरमियान लॉजिकल इंट्रैक्शन, मीन्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। दो एंटिटीज के दरमियान, जैसे स्टूडेंट और टीचर है तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर एग्जिस्ट बिकॉज टीचर टीच द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज स्टडी बाय अ टीचर। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट और कॉलेज क्या है, स्टूडेंट स्टडीज इन अ कॉलेज, तो कॉलेज इज एंटिटी, स्टूडेंट इज एंटिटी, टीचर इज एंटिटी, तो हर एंटिटी का दूसरे के साथ लिंक है, लॉजिकल कनेक्शन है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप बनेगा। डेटाबेस सिस्टम के अंदर भी हमने वो रिलेशनशिप को मैप करना है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एंटिटीज हैं उसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगल सिंबल है। रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी, द नेम ऑफ एंटिटी इज रिटन इन साइड द रेक्टेंगल सिंबल। जिस एंटिटी के लिए आपने ये रेक्टेंगल सिंबल लिया है उस एंटिटी का नेम इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। अब नेम के लिए हमारे पास ना कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपने याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट हैं, मींस एंटिटी नेमिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस हैं, रूल्स नहीं हैं। कन्वेंशन क्या होता है और रूल, रूल का मतलब लाजमी फॉलो करना है, कन्वेंशन का मतलब है फॉलो करना बेहतर है, ना करेंगे तो इशू नहीं है, लेकिन इसको कन्वेंशन को रूल ही समझें, क्योंकि जब आपका पेपर चेक वगैरह किया जाता है तो इनको एज अ रूल ही चेक किया जाता है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। अब एंटिटी के लिए कन्वेंशन क्या है, एंटिटी का जो नेम होगा वो अपर केस में लिखा जाएगा, मींस द नेम ऑफ एंटिटी मस्ट बी रिटन इन अपर केस। सेकंड हमारे पास रूल क्या है,
इट मस्ट बी सिंगुलर नाउन एंटिटी. हमारे पास नाउन होगा मतलब कोई भी चीज का नाम होगा, ठीक है, लेकिन सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है. मसलन स्टूडेंट अपर केस में लिखते हैं आप, स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, वो प्लूरल हो जाएगा. टीचर लिखेंगे, टीचर्स नहीं लिखेंगे, और अपर केस में लिखेंगे, सिंगल वर्ड होगा, एक से ज़्यादा भी नहीं होंगे, ठीक है. आपने कोशिश करनी, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आपने अंडरस्कोर से उसको स्पेस देनी है, एंटिटी नेम के अंदर स्पेस भी आपने नहीं देनी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो हो गए, मीन्स द नेम ऑफ एंटिटी इज रिटन इनसाइड द रेक्टेंगल इन अपर केस एंड इट मस्ट बी अ सिंगुलर नाउन. उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो हमारे पास है वो लिखे जाते हैं ओवल सिंबल के अंदर. किस में लिखे जाते हैं? ओवल सिंबल के अंदर. और एट्रीब्यूट जो है वो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी लिख दी है, सब्जेक्ट इज एन एंटिटी, और स्टूडेंट और सब्जेक्ट अपर केस में है, सिंगुलर नाउन है. स्टूडेंट्स नहीं लिखा, स्टूडेंट लिखा है, सब्जेक्ट्स नहीं लिखा, सब्जेक्ट लिखा है, ठीक हो गया. और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास या सब्जेक्ट आईडी, और स्टूडेंट का सब्जेक्ट का नेम, ये मैंने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख दिया है, बाकी लोअर केस लिखनी है. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लोअर केस में भी लिख सकते हैं या सेंटेंस केस में लिख सकते हैं, ठीक हो गया. और एट्रीब्यूट्स के अंदर जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है. मतलब हर एंटिटी का एक आइडेंटिफायर होगा, जैसे टेबल के अंदर कोई ना कोई ऐसा कॉलम होता है जो उस टेबल की हर रो को जिनकी आइडेंटिफाई करता है, उसे टेबल की या रिलेशन की बात करते हैं, वहाँ पर उसे प्राइमरी की बोलते हैं. यहाँ पर डेटा मॉडलिंग के अंदर जब एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है उसके नीचे लाइन लगा देते हैं, और उसे यहाँ पर प्राइमरी की नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं आइडेंटिफायर. मतलब डेटा मॉडलिंग की बात करें तो आइडेंटिफायर, जब इसी एंटिटी का टेबल क्रिएट हो रहा हो, उस टेबल के अंदर जो रोल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आइडेंटिफायर नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे क्या बोलेंगे, वहाँ पर टेबल में जाके प्राइमरी की. और डेटा मॉडलिंग के अंदर जब सिंबल्स में रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिफायर, ठीक हो गया. और रिलेशनशिप के लिए हमारे पास डायमंड सिंबल है, मीन्स डायमंड सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज. दो एंटिटीज हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई यूजिंग डायमंड सिंबल. और रिलेशनशिप क्या है वो उसके अंदर लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट और सब्जेक्ट, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? स्टूडेंट स्टडीज वन और मोर सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो ये हमारे पास स्टडीज. और जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये हमारे पास वर्ब होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, वर्ब. स्टडीज किसी काम का होना यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास नाउन, ये बेसिकली नेम होता है, एंटिटी जो हमारे पास है उसका नेम इज अ नेम, एंड नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ जगह का नाम होता है, तो एंटिटी का नेम भी नाउन होगा. लेकिन दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो बेसिकली वर्ब होगा, ठीक हो गया. तो ये आपने याद रखना है, यह एंटिटी का नेम अपर केस सिंगुलर नाउन, रिलेशनशिप इनसाइड द डायमंड सिंबल, और इट मस्ट बी अ वर्ब, ठीक हो गया. जैसे स्टडीज, स्टडी नहीं लिख देना, स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट नहीं, स्टडीज, ठीक हो गया. यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है, टोटली कंसेप्चुअल है. डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन देनी है, तीन इसके इंग्रीडियंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप. एंटिटी हमारे पास रेक्टेंगल में लिखेंगे, कोई भी पर्सनल प्लेस थिंग जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जा रहा है, ठीक है. और उसके बाद जो नेम है इनसाइड द रेक्टेंगल. एट्रीब्यूट्स उसी एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ये एंटिटीज है, दो हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप है, ये इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं और इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स ये बोले, ठीक हो गया. यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.